एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में काली लिनक्स 2018.1 वर्जन रिलीज हुआ है, तो उसको लेकर काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम अपने काली लिनक्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। साथ में कुछ लोगों के कई इश्यूज भी थे, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो काली लिनक्स का 2018 का पहला वर्जन रिलीज हो चुका है। इसमें कई बग्स और इश्यूज को फिक्स किया गया है। इसमें आपको कर्नल वर्जन 4.14 मिलेगा, जिसमें मेमोरी लिमिट को इंक्रीज किया गया है। AMD प्रोसेसर के लिए मेमोरी इंक्रिप्शन जैसे फीचर्स भी इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें कई पैकेजेस को अपडेट भी किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम अपनी काली लिनक्स 2017 को कैसे अपडेट कर सकते हैं इस नए वर्जन में, और साथ में अपडेट करते समय जो इश्यूज आते हैं वो भी हम इसमें फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए। ये देखिए, मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया और मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी करंट में कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कमांड लगाया uname -a। ये देखिए, मैं अभी यहाँ पर काली लिनक्स का 2017.3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो हम इसी को अपडेट करेंगे, पर दोस्तों कुछ लोगों के कई इश्यूज थे, वो अपडेट नहीं हो पा रहा, अपडेट करते समय कुछ एरर आते हैं। तो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इश्यूज़ थे, हम उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहला एरर है, जब भी आप अपडेट करते हैं तो ये मैसेज शो होता है तो अपडेट नहीं हो पाता। दूसरा, या आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तब ये मैसेज शो होता है अनेबल टू लोकेट पैकेज। तो दोस्तों इस टाइप के एरर जब भी आते हैं, जब आपकी काली लिनक्स की रिपोजिटरी सही तरह से अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले काली लिनक्स की रिपोजिटरी को आप चेक कीजिए कि वो सही तरह से अपडेट है या नहीं। तो इसके लिए आपको अपनी sources.list फाइल को चेक करना होगा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप कमांड लगाइए gedit। आप यहाँ पर कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ gedit का। उसके बाद आप जाइए etc के अंदर, apt के अंदर, और यहाँ आपको फाइल मिल जाएगी sources.list। आप इसको ओपन कर लीजिए और आप यहां पर चेक कीजिए कि सही रिपोजिटरी डली हुई है या नहीं डली हुई। यदि नहीं है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। ये मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये एरर आते हैं तो आप उसको वहां से कॉपी पेस्ट करके इस फाइल में पेस्ट कर दीजिए, उस फाइल को सेव कर दीजिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब हम इसको अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम कमांड लगाएंगे apt अपडेट एंड apt full-upgrade। तो इससे हमारे सारे पैकेजेस और काली लिनक्स अपडेट हो जाएगी। पर दोस्तों यहां पर भी एक एरर आएगा, तो यदि आपको यहां पर अपडेट करते समय इनवैलिड की का एरर मिलता है तो आप उसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आप ये कमांड लगा दीजिए, ये कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको काली लिनक्स की साइट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप ये कमांड लगा दीजिए, उसके बाद ये एरर नहीं आएगा, जिससे कि हमारे यहाँ पर की एड हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर एक कमांड रन हो चुका है। इसके बाद हम वापस से अपडेट कमांड लगाते हैं और देखते हैं अपडेट होता है या नहीं होता। इसके साथ आप apt जस्ट अपग्रेड भी लगा सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने फुल अपग्रेड लगाया हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और ये देखिए, यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर वो एरर नहीं आया, तो अब इसके बाद आपकी काली लिनक्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट और आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर करीब 1500 MB का डाटा डाउनलोड होगा और करीब 900 MB की डिस्क स्पेस यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ यस। 1500 MB का डाटा डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद हम वापस इसको रिज्यूम करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इस डाटा को डाउनलोड होने में करीब 53 मिनट का समय लगा। तो ये डाउनलोड होने के बाद ये सारे पैकेजेस को रीड करेगा और उसके बाद सारे पैकेजेस को और आपके सिस्टम को अपडेट करेगा, तो इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें बीच बीच में आपको कई मैसेज भी आएंगे, तो अपन को अच्छी तरह से रीड करके वहाँ पर कॉन्फिगरेशन कर लीजिएगा। जैसा कि ये देखिए, यहाँ पर वायर शार्क का कॉन्फिगरेशन के लिए मांग रहा है, तो आप उसको रीड कर लीजिए। आपको करना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ऐसा आपको बीच बीच में इस तरह के डायलॉग बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं वापस से हमें वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ये कंप्लीट होगा हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ये देखिए, ये अपडेटिंग प्रोसेस करीब करीब कंप्लीट होने वाली है, सारे पैकेजेस और सिस्टम अपडेट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपका काली लिनक्स अपडेट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। मैंने वापस से कमांड लगाया uname -a, पर अभी वही पुराना वाला वर्जन दिखा रहा है, तो आप इसको रीबूट कर लीजिए। रीबूट करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपको अपडेट मिलेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ रीबूट, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2018 का पहला वर्जन अपडेट हो चुका है, कर्नेल भी अपडेट हो चुका है। तो आप इस तरह से अपने काली लिनक्स को अपडेट कर सकते हैं और उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको भी आप फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। देखते रहिए टेकचिप, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।